हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। CSIR नेट जून 2020 के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें उनको कैसे डाउनलोड करना है। मैंने ये फ़ोन में ही वीडियो बनाई है, तो आप फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट इनका निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, इसके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास है ना कुछ एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है। तब जाके आप अंडरटेकिंग का फॉर्म आएगा, फिर आपको उसको फिल करना है, फिर उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो ये देखना ध्यान से कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिल कर लेती हूँ, देखना। फिल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आपके एडमिट कार्ड में भी है सेम एज इट इज़, और इस तरह का फॉर्म में भी है। तो ना, आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना है। उसने सबसे पहले ये पूछा है कि आपने COVID-19 के रिगार्डिंग जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं NTA की वेबसाइट पे, वो है। तो पहले आप उसको फुल्ली पढ़ लेना, तभी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट में तो यही कहा कि हाँ भाई, मैंने सारी की सारी COVID-19 की इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। सेकंड में यही कहा कि आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, उसने पूछा कि पिछले 14 दिनों में आपको फीवर, कफ, ये सब कुछ तो नहीं था, ठीक है। समझ गए ना कि मतलब COVID-19 के कुछ सिम्टम्स तो नहीं रहे, तो वह ऐसा पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद B, C और D में भी ऐसा ही पूछ रहे हैं कि आप ये देख लो कि आप कन्फर्म केस तो नहीं रहे COVID-19 के, किसी के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए थे, या फिर अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आए थे वो क्वारंटीन था या आप क्वारंटीन तो नहीं थे। तो वो ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे येस नो फिल करना है, और यहाँ जो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म देखोगे उसमें ये डी पार्ट तक ही है, ठीक है। ये जो मैंने फ़ोटो ली हुई है ये हमारे एडमिट कार्ड में अंदर आएगी, क्योंकि अभी मैंने वो डाउनलोड कर लिया तो अभी वो अंडरटेकिंग का फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ से 1 से लेकर और डी तक, यहाँ तक इतना इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप इसको फिल कर लोगे अच्छे से, तब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली, कि हमने अंडरटेकिंग का फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया है। जब आप फिल करोगे ना, तभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दोगे तो ये आगे आ जाएगा ऑप्शन, ऐसा नहीं है। तो आपको अच्छे से फिल करना, सारे ऑप्शंस अच्छे से भर देना, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कफ था या नहीं था, ठीक है, उस वाले में टिक करो ना करो चल जाएगा। लेकिन B, C और D पार्ट है ना, उनमें क्लिक करना ज़रूरी है। उसमें सिलेक्ट का ऑप्शन है येस और नो में, ठीक है। अगर आप COVID-19 के किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो जो सफ़र कर रहा था, तो आपको वहाँ पर येस और नो फिल करना है। वो बस ऐसा पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आए हो तो येस लिख देना, नहीं आए हो तो नो लिख देना। तो यहाँ से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे टच करोगे तो आपको ना आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बस ये इतना सिंपल ही था, मेन बात था अंडरटेकिंग को डाउनलोड करना, ठीक है। अंडरटेकिंग आप फिल कर लोगे अच्छे से, तभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।